हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल इन्वेस्टमेंट की बाजार पर। दोस्तों, एक बार फिर फर्टिलाइजर शेयर स्पॉट में आते हुए देखने को मिल रहे हैं और आज डेफिनेटली पूरा फर्टिलाइजर स्पेस आज पॉजिटिव में रहता हुआ देखने को मिला है। क्या ये रिकवरी दोस्तों फिर से तेजी का संकेत देती हुई देखने को मिल रही है? क्या इन सब काउंटर्स में फिर बड़ी तेजी होगी? सब पर इस वीडियो के अंदर बात करेंगे, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना। वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करके जरूर जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, NFL और RCF की क्लोजिंग आज लगभग दोनों काउंटर्स में 2% से ज्यादा की तेजी आपको आती हुई देखने को मिली है। एंड अगर अपन अदर फर्टिलाइजर स्टॉक्स की बात करें तो ओवरऑल अदर फर्टिलाइजर स्टॉक्स भी आज पॉजिटिव में ही क्लोजिंग देते हुए देखने को मिले। वहीं अगर अपन मार्केट की बात करें तो मार्केट में डेफिनेटली आज अच्छी तेजी आपको होती हुई देखने को मिली है। एंड यहां पर डेफिनेटली एडवांस डिक्लाइन रेशियो आप देख सकते हैं, 1200 शेयर्स पॉजिटिव में थे और 874 शेयर्स नेगेटिव में थे। तो कहीं ना कहीं आज फिर से बुल्स का फेवर मार्केट में रहता हुआ देखने को मिला। एंड ओवरऑल अगर अपन वॉल्यूम की बात करें तो दोनों स्टॉक्स में लगभग 4-4 मिलियन के आसपास की वॉल्यूम यहां पर आपको देखने को मिली है। एंड डेफिनेटली जिस हिसाब से आज स्टॉक में ब्रेकआउट हुआ है, ये बढ़िया मोमेंटम के संकेत देता हुआ देखने को मिल रहा है। और आज NFL का शेयर कई टाइम तक तो दोस्तों 70 रुपए के ऊपर भी टिका हुआ था। डेफिनेटली कल का दिन काफी इंपॉर्टेंट होगा। कल अगर दोस्तों 70 रुपीज 70 पैसे के ऊपर ये NFL का शेयर निकलेगा तो डेफिनेटली बड़ा ब्रेकआउट आपको आता हुआ देखने को मिलेगा। क्योंकि यहां पर आप देखिए, आज का इंट्राडे हाई है 70-70 का, और कल अगर स्टॉक ने आज का इंट्राडे हाई ब्रेक कर दिया तो डेफिनेटली दोस्तों 72 तक की जगह इंट्राडे में बनेगी, एक स्विंग बनता हुआ देखने को मिल सकता है। तो मेरी यही सलाह है, जिनके पास भी ये शेयर है अभी होल्ड करके रखे इस काउंटर को। एक बार अगर 70-70 के ऊपर कल के दिन ये शेयर निकल गया तो डेफिनेटली 72 तक की जगह बनती हुई देखने को मिलेगी। अगर अपन बात करें ब्लॉक डील्स की, तो आज की तेजी के अंदर दोस्तों स्टॉक के अंदर 4 ब्लॉक डील होती हुई देखने को मिली है और करेंटली ये शेयर 22% के करेक्शन पर मिल रहा है अपने 52 हफ्तों के हाई से। तो डेफिनेटली दोस्तों एज अ लॉन्ग टर्म निवेशक डेफिनेटली आप इसमें परचेस कर सकते हो। दोस्तों इस क्वार्टर में डेफिनेटली कंपनी के नतीजे खराब आए थे, बट डेफिनेटली चांसेस वेरी हाई कि अगले क्वार्टर में कंपनी सुधार करती हुई देखने को मिले। तो अगर कंपनी सुधार करेगी, अगर कंपनी का प्रॉफिट फिर कंपनी फिर प्रॉफिट में आएगी तो जरूर दोस्तों बढ़िया तेजी आपको इस काउंटर में होती हुई देखने को मिलेगी। वहीं सेंटीमेंट की बात करें तो सेंटीमेंट यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों 100% लोग बुलिश हैं। अगर अपन रेजिस्टेंस की बात करें तो मेजरली दोस्तों यहां पर केवल और केवल अब 7120 का लेवल है। एक बार कल 7070 का लेवल तोड़ दे, उसके बाद यहां पर देख लीजिए 7120 और उसके बाद डायरेक्ट 7430। तो अभी डेफिनेटली काफी अच्छे जोन पर भी काउंटर ट्रेड कर रहा है, गिरावट ऑलरेडी बहुत हो चुकी है, ओवरसोल्ड जोन से स्टॉक निकलकर तेजी कर रहा है। तो डेफिनेटली आई थिंक सो यहां से 75 तक की जगह शॉर्ट टर्म में आपको इस काउंटर में बनती हुई देखने को मिल जाएगी। वहीं अब अगर बात करें RCF के शेयर में, तो RCF के शेयर में भी दोस्तों एक अच्छा रिवर्सल आया है। 100 रुपए के आई थिंक 100-101 के लेवल से काफी अच्छी रिकवरी इस काउंटर में बनी और करंटली 105.65 पर एक काउंटर ट्रेड कर रहा है। तो डेफिनेटली इस काउंटर में 100 रुपए का एक अच्छा खासा सपोर्ट निकल कर आता हुआ देखने को मिला और वहां से एक शानदार रिकवरी, मीनिंगफुल रिकवरी इस काउंटर में आई है। एंड अगर अपन बात करें दोस्तों स्टॉक की 50 वीक हाई की, तो ऑलमोस्ट दोस्तों स्टॉक का 144.85 रुपए का 50 वीक हाई है। एंड अभी ये काउंटर ट्रेड कर रहा है मात्र 105 के लेवल्स पर, तो ये काउंटर डेफिनेटली काफी ज्यादा करेक्टेड जोन पर ट्रेड कर रहा है। और अगर यहां से फर्टिलाइजर स्पेस में तेजी आती है, सेक्टरली मूवमेंट आता है फर्टिलाइजर स्टॉक्स में, तो जरूर दोस्तों ये दोनों स्टॉक्स RCF और NFL सबसे पहले तेजी करेंगे। और इनकी तेजी हमेशा दोस्तों 10-20% की होती हुई देखने को मिलती है। तो मेरी यही सलाह है, लॉन्ग टर्म में अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो डेफिनेटली इन दोनों काउंटर्स में आप निवेश करके रखें। और अगर शॉर्ट टर्म की बात करें तो शॉर्ट टर्म में मेरी यही सलाह है कि आप 66 रुपए का स्टॉप लॉस NFL के अंदर रखे एंड 100 रुपए का, जी हाँ 100 रुपए का स्टॉप लॉस आप RCF के स्टॉक के अंदर रखे। ओवरऑल दोनों स्टॉक्स में आई थिंक सो यहाँ से 4-5% तक की तेजी आपको बनती हुई देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।